बच्चों जानते हैं पुशअप के बारे में। पुशअप एक कॉमन कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट है जिसको करने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम प्रेसअप के नाम से भी जानते हैं। इस व्यायाम में पेक्टोरल, डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कोरकोबरा चेलिस, सेराटस, स्केल्टॉन और बैक बॉडी जैसे शरीर के अहम हिस्से शामिल होते हैं। पुशअप को उन सभी लोगों के लिए एक मानक व्यायाम माना जाता है जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में ताकत विकसित करना चाहते हैं। पुशअप का इतिहास जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के समय में जो पुशअप हम करते हैं उसका निर्माण 1905 में जेरिक रेविला ने किया था, पर हम जानते हैं कि भारत में हिंदू पुशअप, जिसे दंड या नमस्कार के नाम से जाना जाता है, यह हजारों साल पहले से है, जब इन अभ्यास का उपयोग योद्धाओं ने अपने शरीर को आकार और ताकत देने के लिए किया। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जब हम पारंपरिक पुशअप करते हैं तो ऊपर की स्थिति में हाथों पर शरीर का कुल 69.16% द्रव्यमान और नीचे की स्थिति में 75.04% भार होता है। वहीं जब हम नी पुशअप करते हैं तो पुशअप के दौरान ऊपर की स्थिति में 53.56% तथा नीचे की स्थिति में शरीर का कुल 61.80% भार हाथों पे होता है। शायद आपने भी अपने जीवन में एक पुशअप करने की कोशिश की होगी, बस यह देखने के लिए कि यह है क्या या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। खैर, यह आश्चर्यजनक अभ्यास अपने अर्थ के लिए सही है। पुशअप आपके ऊपरी शरीर की ताकत को बढ़ाता है। बाहों, पेट और पीठ की बड़ी मांसपेशी समूहों का उपयोग करके पुशअप एक बहुत ही अच्छा पूर्ण व्यायाम की श्रेणी में आता है, जो आपके ऊपरी शरीर को टोन करने के साथ ताकत को बढ़ाता है। शरीर के ऊपरी हिस्से की शक्ति बढ़ाकर संतुलन और स्थिरता को बेहतर बनाता है। इस तरह से बुजुर्गों के लिए भी आमतौर पर पुशअप की सिफारिश की जाती है, क्योंकि यह एक लक्षित समूह है जो आमतौर पर कम संतुलन के कारण चोटों से प्रभावित होते हैं। पुशअप्स मांसपेशियों के घनत्व का निर्माण करता है। उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर मांसपेशियों के घनत्व को कम करने लगता है, लूज होने लगता है। पुशअप्स के लाभकारी प्रभावों में से एक आपके कम मांसपेशियों के घनत्व में सुधार करने की उनकी क्षमता है। साथ ही पुशअप्स आपके कोर को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। एक मजबूत कोर का मतलब एक अच्छा शरीर मुद्रा, पेट क्षेत्र की मांसपेशियों की मजबूती, पेट की समस्याओं से छुटकारा है। बात करते हैं कुछ ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। पुशअप के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें से एक घंटे में सबसे ज़्यादा 2,806 पुशअप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के जेराड यंग का है। एक दिन में सबसे ज़्यादा पुशअप करने का रिकॉर्ड, यानी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुशअप करने का रिकॉर्ड चार्ल्स सर्विजियो द्वारा लगाया गया है। इन्होंने कुल 46,001 पुशअप लगाया है। और सबसे अधिक नॉन स्टॉप पुशअप लगाने का रिकॉर्ड मिनोरू योशिदा का है। इन्होंने नॉन स्टॉप 10,507 पुशअप लगाया है। बच्चों, पुशअप एक आसान व्यायाम है जिसे करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। इसे आप घर, पार्क, स्कूल कहीं भी कर सकते हैं। बच्चों, आपके लिए एक छोटा पुशअप चैलेंज है। आपको 3 सेट में पुशअप के 12 रेप्स लगाने हैं। हर सेट के बीच में 15 सेकंड का रेस्ट लेना है, जिसमें शोल्डर को रिलैक्स और शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भरनी है। तो स्टार्ट करते हैं ये चैलेंज।
बेसिक चैलेंज में 3 सेट में पुशअप के 12 रेप्स लगाने थे और 15 सेकेंड का रेस्ट लेना था। जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने पुशअप अभी स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए ये पुशअप है। आप नी पुशअप करके इस चैलेंज को पूरा करेंगे।